एवरीवन, वेलकम टू कुक सम मैजिक। आज कुक सम मैजिक में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जिसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा और बनाना है बहुत ही आसान। तो चलिए चलते हैं छेना टोस्ट बनाने। तो छेना टोस्ट बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 लीटर गाय का दूध। गाय के दूध से छेना बहुत अच्छा बनता है, मैं प्रेफर करूंगी आप यही दूध लें, लेकिन अगर गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप भैंस का भी ले सकते हैं। अब हम इस गैस ऑन करते हैं और हमें इसको बॉईल करना है। एक बॉईल आने तक हम वेट करते हैं। बस ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब इस टाइम पे हमें करनी है गैस बंद। अब हमें इस दूध को फाड़ना है छेना टोस्ट बनाने के लिए। तो पहली ट्रिक मेरी ये है, ध्यान से सुनिएगा कि इस दूध को आपको एकदम से नहीं फाड़ना है। पहले हमें क्या करना है, 2 से 3 मिनट इसको थोड़ा सा इस तरीके से चमचे से चला चला के और इसको थोड़ा ठंडा करना है। मतलब ये जो इतनी तेज इसमें हीट है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाए बस। दूध को फाड़ने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने व्हाइट वाला विनेगर लिया है, 2 ढक्कन विनेगर है। ये देखिए ये 2 ढक्कन विनेगर है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट करके फिर डालेंगे। तो 2 ढक्कन विनेगर और बाकी का मैंने इसको कप को ऐसे पानी से भर दिया है बस। अब इस विनेगर को हमें डालना है इस दूध में, लेकिन एक साथ नहीं डालना है, ये सेकंड टिप है, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे धीरे धीरे हिलाते हुए बहुत आराम आराम से। थोड़ा सा ऐसे हिलाया, फिर थोड़ा सा और डाला, ऐसे करके हमें इस दूध को फाड़ना है। जब तक कि वो ग्रीन ग्रीन सा पानी दूध फटने के बाद आ जाता है ना, तब तक हमें इसको फाड़ना है, जब वो ग्रीन ग्रीन सा पानी आ जाए तब। ये देखो दूध बिल्कुल फट गया है फर्स्ट क्लास, और ये ग्रीन ग्रीन सा ट्रांसपेरेंट सा पानी जो है बिल्कुल अलग हो गया है। बस यही स्टेज हो दूध फटने की। अब हम क्या करेंगे, इसको छान के छेना अलग करेंगे। सारा पानी हमने इसका निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा साफ पानी जो होता है प्लेन वाटर, उससे इसको रिंस करेंगे, ताकि जो विनेगर वाली खटास है ना इसकी वो निकल जाए इसमें से। 2 ग्लास पानी से इसको इस तरीके से रिंस कर लेंगे। बस अब इसको ऐसे इकट्ठा करके अब हमारा ये प्रोसेस है आगे का, कि हमें इसका सारा पानी बिल्कुल निकालना है, एकदम निचोड़ निचोड़ के बहुत बिल्कुल सारा पानी निकाल लेना, मतलब पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस उसका सारा पानी निचोड़ के मैं क्या करूंगी, इसको जो ऐसे रोई वाला टॉवल होता है ना, बिल्कुल इसमें लपेट के 10 मिनट के लिए रखूंगी। इससे क्या होगा कि इसका और भी जो एक्सेस पानी होगा ना, ये टॉवल सारा पानी ले लेगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। ये छेना तैयार है, इसको मैंने टॉवल से बाहर निकाल लिया है। अब आती है इसकी मालिश करने की बारी। तो हमारे हाथ का जो ये वाला पोर्शन होता है ना, इससे हमें इसकी मालिश करनी है बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। इसकी सारी जितनी ये दाना है ना, इसको खत्म करना है और अच्छे से स्मूथ करना है। इसको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसकी मालिश करने में। तो इसको बस इसी तरीके से हाथ से हमें ऐसे ऐसे करना। अब ये 1 से 1.5 मिनट हुआ है इसको मुझे मसलते मसलते। अब इस टाइम पे मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर 1 से 1.5 चम्मच। ये फुल भरा हुआ 1 चम्मच डाल देती हूँ मैं इसमें, और बिल्कुल थोड़ा सा, बस इससे ज्यादा नहीं, 1.25 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। अब इसको मिक्स करके हमें फिर से इसकी मालिश करनी है और इसको मक्खन की तरह एकदम स्मूथ बनाना है। ये देखिए छेना मलते मलते मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और फर्स्ट क्लास डो की फॉर्म में आ गए हैं। बस इस फॉर्म में लाना है हमें, और देखिए डो बिल्कुल ऐसे प्रेस हो रहा है चपाती की तरह। ना हमें इससे ज्यादा ये ढीला रखना है, ना इससे ज्यादा ये टाइट होना चाहिए। वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि हमने छेने में से पानी सारा स्क्वीज किया है कि नहीं किया है। बस अब हम क्या करेंगे, इसके पीसेस तोड़ेंगे। मैं बताती हूँ आपको, पहले इसको 2 में कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसको और पतला करते हैं। इसके करेंगे इतने इतने, ये देखो ये साइज होना चाहिए, 4 पीस कर लेते हैं। बस इस तरीके का साइज होना चाहिए, चपाती का जो पेड़ा होता है ना हमारा, रोटी बनाते हैं जो पतली पतली चपातियां, बस उस तरीके का। अब हमें इसके जो छेना टोस्ट है ना, उनको शेप देके तैयार करना है। देखिए ऐसे सिलेंड्रिकल शेप, हल्का सा ऐसे, और थोड़ा सा इसको हमें ऐसे प्रेस करना है, बहुत ज्यादा नहीं, लाइट सा, क्योंकि ये टोस्ट बनेगा ना इसलिए, तो बैठेगा कैसे अगर राउंड होगा तो। बस इस तरीके से हमें बाकी सारे भी बना के तैयार करने हैं। तो ये छेना टोस्ट जो है सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम बनाते हैं इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहां मैंने लिया है 6 कटोरी पानी
और इसमें मैं डालूंगी डेढ़ कटोरी चीनी। डेढ़ लीटर दूध है तो डेढ़ कटोरी चीनी। कटोरी का साइज जो है वो इतना है कि एक कटोरी में अप्रॉक्स 200 ग्राम चीनी आएगी। ये देखिए ये एक कटोरी और ये आधी कटोरी, डेढ़ कटोरी चीनी, 6 कटोरी पानी। अब इसमें बॉईल आने देते हैं। तो ये देखिए चाशनी में उबाला आ गया है, और इस टाइम पे जब चाशनी अपनी मस्ती में चूर हो, बस ऐसी ही चाशनी हमें उबलती हुई चाहिए, इस टाइम पे हमें बारी बारी एक एक करके छेना टोस्ट इसमें डालने हैं। एक साथ नहीं डालने, ये तीसरा टिप है, ठीक है, क्योंकि एक साथ डालोगे तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले हम बारी बारी करके डालते हैं, इसको एक को डालते हैं बस। इसमें जो उबाल है ना ये मेंटेन होना चाहिए। ये देखिए धीरे धीरे करके इस तरीके से हम डालते जाएंगे। ये देखिए बस इस तरीके से उबाल आना, इसमें मेंटेन होना चाहिए। अब हमें टोटल इसको 20 मिनट तक पका के तैयार करना है। तो पहले 5 मिनट तो हम इसको खुला पकाएंगे, बिल्कुल नहीं ढकेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको ढक के पकाएंगे। तो पहले 5 मिनट पकाते हैं। अब ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको खुला पकते हुए। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से हमको ये ना इसको थोड़ा सा हिला देना है, जरा सा, बिल्कुल लाइट हैंड से, एकदम ज्यादा मस्ती नहीं करनी है इसके साथ। बस अब हमें 5 मिनट इसको ढक के पकाना। अब 5 मिनट हमने ढक के और पका लिया, इसको खोल के देखते हैं। ओ बेटे देखा, इनका साइज बिल्कुल डबल हो गया एकदम। बस इस टाइम पे हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथ से कोशिश करना है इनको टर्न करने की, थोड़ा थोड़ा हल्की सी कोशिश करनी है बस, बिल्कुल हल्के हाथ से एकदम। अब टोटल इनको 10 मिनट हो गए पकते हुए। 5 मिनट पहले खुले पकाए, 5 मिनट ढक के। बस अब हम क्या करते हैं, इस टाइम पे इसको वापस ढकेंगे। अब 10 मिनट और पका लेते हैं, तो टोटल हो जाएंगे हमारे 20 मिनट। तो ये छेना टोस्ट को पकते पकते टोटल 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। खोल के देखते हैं, ये लो जी बिल्कुल तैयार है हमारे छेना टोस्ट। बस इस टाइम पे हमें करनी है गैस बंद, और हमें इन्हें रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना है। इस वाले जो ये चाशनी है ना, इसका इसमें से निकालना नहीं है, कि बेसिकली क्या होता है रसगुल्लों को तो हम लोग निकाल देते हैं उनका कुकिंग प्रोसेस रोकने के लिए, लेकिन अभी हमें इनको नहीं निकालना है, पहले इनको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। अब ये रूम टेम्परेचर पे आ गए, इनको बारी बारी करके हम इस बोल में निकाल लेते हैं। अब जो इसकी ये चाशनी है ना, इसको हमें इसी में ही डालना है, इसको अलग से नहीं रखना है। बस इसको ऐसे थोड़ा सा हिला देते हैं। अब हमें इसके ऊपर ये कलर चढ़ाना है, ऑरेंज रेड मैं कलर ले रही हूं। अगर आपको और डार्क कलर चढ़ाना है तो आप चॉकलेटी कलर जो आता है ना वो भी ले सकते हो, और इस तरीके से लिक्विड ही करके डालना है, पाउडर फॉर्म में नहीं डालना है। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा कलर इसमें डाल के बस इसको ऐसे हिला देते भाई, सब जगह अच्छे से लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन छेना टोस्ट को हमें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए, फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो ये छेना टोस्ट जो है ये तैयार हो चुके हैं, इनको कम से कम मैंने 2-2.5 घंटे फ्रिज में रखा है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक ना जाली पे निकाल लेंगे इस तरीके से, ताकि इनकी जो एक्सेस चाशनी है वो हट जाए। ये देखो मस्त सा कलर आ गया इनके ऊपर। तो चलिए करते हैं फाइनल तैयारी इसको बनाने की। अब हम क्या करेंगे, ये जो छेना टोस्ट है हमारे, इनको बिल्कुल केयरफुली धीरे धीरे इस तरीके से बीच में से काटेंगे, बहुत आराम आराम से काटना है। ये देखिए ऐसे 2 पीस हो जाएंगे इसके। बस अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर हमें खोआ या रबड़ी कुछ भी कह सकते हो आप, ये मैंने घर में बनाई है, दूध को रड़का के जो हम बनाते हैं ना उसको सिम पे बिल्कुल धीरे धीरे रड़का के, थोड़ी सी चीनी भी डाली थी इसमें, हल्की सी मीठी है, तो इसको हम इस पे लगा के इसको प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से लगाएंगे और धीरे धीरे नाइफ की हेल्प से इसको इस तरीके से फैलाएंगे। ये देखिए ये हो गया तैयार, दूसरे को भी कर लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए, और अब इसको करना है हमें गार्निश। गार्निश कैसे करते हैं वो बताती हूं मैं। इसको गार्निश करने के लिए मैंने ये कोकोनट लिया है, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, थोड़े से मैंने ये 3-4 तार केसर के इसमें दूध में भिगो के रखे थे, और कुछ मैंने लिए हैं ये पिस्ते। ये देखिए, तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से कोकोनट डालेंगे,
और ये एक उंगली से थोड़े से ये केसर के जो तार हैं कुछ इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा केयरफुली इसको करना होगा, ये देखिए, और कुछ हम इसके ऊपर ये पिस्ते डाल देते हैं, ये देखिए। तो ये इसी तरीके से बाकी के भी तैयार करते हैं। और आपको एक चीज और बताती हूं मैं, अगर आपके पास इस तरीके का ये जो खोआ है ये अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं कि पहले से इसको उबाल के मतलब तैयार करके नहीं रखना चाहते हैं या नहीं है घर में, तो एक इंस्टेंट चीज बताती हूं मैं आपको, वो भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने पाउडर शुगर ली है 2 चम्मच मैंने ये लिया है, और ये है मिल्क पाउडर 2 से 2.5 चम्मच मैं ये ले रही हूं, और क्रीम जो होती है हमारे पास अगर घर में क्रीम रखी है तो, नहीं तो ताजी मलाई दूध की, बस इसको 1 चम्मच इसमें डालेंगे और इसको मिक्स करके बनाते हैं। अगर कम रहेगा तो फिर डालेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा ये मेरे से इसमें 1 से 2 चम्मच और डालिए मैंने मलाई, आप अपने हिसाब से डाल लेना, पहले 1 चम्मच डालना और अगर ऐसे लिक्विडी फॉर्म ना बने तो 1 या 1.5 चम्मच और डाल लेना बस। चलो अब नेक्स्ट वाले जो हमारे 2 हैं वो हम इस वाले हमारे इंस्टेंट खोए से बना के तैयार करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लगाया इसके ऊपर और ये देखिए इस तरीके से स्प्रेड कर दिया, कोई झंझट नहीं है। ये इंस्टेंट वाला खोए से बनाने से और ज्यादा मजा आएगा आपको, पहले से रड़काए हुए खोए में तो बड़ी मुसीबत है, पहले रड़काओ करो बहुत पंगा। तो ये इंस्टेंट खोए से बना के तैयार करना, बस इसी तरीके से इनको भी गार्निश कर लेंगे और रेडी करते हैं हमारे सारे छेना टोस्ट। तो ये देखिए मैंने सारे छेना टोस्ट बना के तैयार कर लिए हैं, रेडी हैं, बिल्कुल लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट जैसे। कौन कहता है ये हमने घर में बनाए, जी हाँ बिल्कुल हमने घर में बनाए। तो आप भी ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी देख के, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप अपने घर में बनाओ तो ये कैसे बने, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, कुक सम मैजिक।